चलो ये 2D एरे के दो प्रोग्राम्स बचते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? टेक रैंडम इनपुट्स फॉर 5x5 2D एरे एंड डिस्प्ले द सेम। अब यहाँ रैंडम इनपुट वाला आएगा, ऐसे ही टेक रैंडम इनपुट्स इन टू डी एरेस फॉर 3x3 एंड डिस्प्ले द सेम। चलो समझते हैं ये क्या चीज़ है। इस तरह से देखो, ये 5x5 का एक एरे बनाएंगे। अब रैंडम इनपुट का मतलब, यहाँ मैं जैसे रैंड बिटवीन डालता हूँ 5,50, तो ये रैंडम वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये रैंडम इनपुट आया और दिखाया सिंपली। ऐसे ही क्या करेंगे, 3x3 के दो बोले, दूसरा प्रोग्राम ये बोला है कि दो 3x3 के रैंडम इनपुट को। अब हमें करना क्या है कि पहला प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये 5x5 का एक 2D एरे आएगा जिसकी वैल्यू अपने आप स्टोर होगी, और ऐसे ही दूसरा प्रोग्राम में क्या होगा, दो 2x2 3x3 के होंगे, राइट। अब इस प्रोग्राम में ये जो चीज़ है, अब इसको ऐसे दिखाना, साइड बाय साइड दिखाने का प्रोग्राम नहीं है, राइट। आपको क्या करना है, दोनों के दोनों आपको ये नीचे दिखाना है। ये एरे है, इसको नीचे ले जाएंगे यहाँ, तो ये समझ लो आपका एरे ए है, दिस इज योर ए एरे, राइट, एंड दिस इज योर बी एरे। ठीक है, इस तरह से दिखाना है ऊपर नीचे। एक और प्रोग्राम है जिसमें आपको ये दोनों के दोनों चीज़ें साइड बाय साइड दिखानी है, राइट। अब ये जैसे यहाँ से हटाया एक, ये कोशिश आपको खुद करनी है कि मैं ये दोनों प्रोग्राम में क्या करूँ, इसको साइड बाय साइड दिखाऊँ। ये आपको खुद कोशिश करनी है कि हम प्रोग्राम में आपको नीचे वाला सिखाऊंगा, आपको प्रिंट करना है साइड बाय साइड में। ठीक है, आपका प्रिंट आउट कैसे होगा, ये वैल्यूज तो प्रिंट नहीं होंगी, ठीक है ना, ये वैल्यूज तो प्रिंट नहीं होंगी। ठीक है, अब ये वैल्यू उसकी जगह क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। चलो ये देखो कोड है, जो पहला वाला लॉजिक बताया, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, 5x5 का रैंडम। ठीक है, तो रैंडम का क्या क्या एरे डिक्लेयर किया 5x5, तो डिक्लेयर किया मतलब क्या हुआ, ये डिक्लेयर हुआ इस तरह से, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, दिस इज ब्लैंक, ये ब्लैंक डिक्लेयर हुआ। आई जे हमारा सपोर्टिंग के लिए, जैसे मैंने कहा आई और जे, दिस इज़ फॉर आई, दिस इज़ फॉर जे, ये रो के लिए आई है और जे कॉलम के लिए है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, राइट, आई जीरो से लेके 5 तक, यानी ये देखेंगे तो हमारा ये 0 से लेके 4, राइट, जो लेस देन 5 बोला है। ठीक है, सेम थिंग जे भी वही लिया है 0 से 5, तो हमारा क्या है, जे 0 से 4 अगेन। अब यहाँ पे वैल्यू ए और एरे ऑफ आई जे, यहाँ अब इसकी बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसकी पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू रैंड बिटवीन 10,30, तो ये क्या आता है, बिटवीन 10 एंड 30, एक वैल्यू आई और दिखा भी ना, वैल्यू आई प्रिंट भी हुआ, मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू स्टोर करवाया और फिर सीधा प्रिंट भी करवाया, राइट। फिर ये जे चलेगा 5 बार, यानी पहले ये वैल्यू आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे 5 वैल्यू आएंगी और 5 स्टोर करवाई। इस तरह से प्रोसेस चलते थे, सब में आ जाएगी और सारे डिस्प्ले भी हो जाएंगे। तो ये वाला लॉजिक इसमें लिख दिया, जनरेट दी 2D एरे, सेव करते हैं, कंपाइल करता हूँ एंड रन करके देखते हैं कोई एरर आया तो, एरर तो नहीं, एरर नहीं, देखो एरर नहीं, तो रन भी हो जाएगा और इसका आउटपुट 5x5 का ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। जो भी रैंडम वैल्यू होगी बिटवीन 10 एंड 30, हमने कहा वो 10 से 30 के बीच में कोई भी एक वैल्यू 2x2 का, देखो बताइए 5x5 का 2D एरे आ गया ना। ये हम इसके साथ अभी दूसरा देखते हैं, जो अभी कहा 2D एरे 3x3। अब ये 3x3 का कैसे आएगा, साइड बाय साइड नहीं आएगा, साइड बाय साइड तो आपको करना है। ठीक है, ये ऊपर नीचे आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ कट करके यहाँ रखूँगा, ये ऐसे साइड बाय साइड आएगा, ये ऊपर बाय सॉरी नीचे ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, अब ए और बी को मैंने प्रिंट नहीं कराया, राइट, तो इसके लिए देते हैं यहाँ पे क्या किया है, 2 एरे लिए ए एंड बी, देखो। ठीक है, सेम वही लॉजिक है, आई जे, अब अनसाइंड 0 3 से ले लिया और जे 0 से 3 ले लिया, यहाँ पे रैंडम जनरेट किया, ओके, यहाँ पे क्या आया, ए की वैल्यू प्रिंट कर दी, यहाँ से स्टोर करवाई, यहाँ प्रिंट कराया, और बी वैल्यू नहीं किया, अब बी भी यहाँ पे हम जनरेट करा सकते हैं, राइट, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ एंड बी जनरेट करवा लेता हूँ वैल्यू, राइट। अब सपोज़ हम बी कर लेते हैं 51, यानी यहाँ लिख देते हैं 20, यहाँ लिख देते हैं 31, तो ये क्या हुआ, दिस विल बी बिटवीन 20 टू 50। ठीक है, अब ए जो वैल्यू होगा 10 से 30 के बीच में होगा, फिर बी जो होगा 20 टू 50 के बीच में होगा, देखते हैं कंपाइल करके, राइट, ऊपर नीचे वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। हाँ, बीच में एक ही गैप आएगा, आपको लगेगा ये क्या है, 3x3 नहीं लगेगा, आपको 6x3 दिखेगा। अभी देखो फिर इसको 3x3 दो कैसे दिखेंगे, देखेंगे, देखो ये क्या लग रहा है, 6x3 हुआ ना, अब ये 6x3 को कैसे 3x3 दिखाना है, राइट, एंडल साथ में हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सी आउट कर दो, यहाँ पे लिख देते हैं एरे ए, राइट, स्लैश एन कर दो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो यहाँ पे, राइट, यहाँ कर दो एरे बी,
इससे पहले भी स्लैश एन ले लो, राइट। अभी कंपाइल करके देख लो, अब देखो ये आया। अब आपको करना क्या है, दूसरा प्रोग्राम इसको साइड बाय साइड करना है, ठीक है। अब आपके प्रोग्राम बता देता हूँ क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, ये साइड बाय साइड कर दो एक तो, और साथ में एक ये सोचो कि ये दो साइड बाय साइड हैं, राइट। एक एरे सी हो, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इसका काम ये होना चाहिए कि अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को सम करना है, ये पूरा का पूरा सम कर देना है। देखो ए और बी का सम सी में आ जाए, राइट। अब आपको एक तो ये कर रहा है साइड बाय साइड प्रिंट कर रहा, दूसरा, अब दूसरा प्रोग्राम क्या होगा, ये आपका एक रैंडम एरे है, कितने भी हो सकते हैं, राइट। लेट मी गो फॉर द लेंथ, मोर लेंथ, राइट। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, लेट मी मेक इट नियर अबाउट 6 बाय 5, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम क्या होगा, ये है कि आपको इसका रो सम करना है, फाइंड आउट द रो सम, हर एक का रो का सम, एंड फाइंड आउट द हर एक का कॉलम का सम, अरे कि कॉलम का भी सम कर रहे हैं, रो का भी सम कर रहे हैं। इस तरह से आपको ये यहाँ एक और प्रोग्राम दे दिया मैंने, ठीक है। रो सम का अलग कर देना और कॉलम सम का अलग कर देना, फिर दोनों को कंबाइन कर देना, ये सारे प्रोग्राम करने हैं आपको, ठीक है, करो।